Hi friends, a core important topic, and that is image of square or rectangle type object. Rectangle type object. ठीक है बच्चों, अगर यार हमने कोई square type या रेक्टेंगल टाइप ऑब्जेक्ट को इसी मिरर के सामने रख दिया तो उसका इमेज कैसा बनेगा। एक क्वेश्चन आता है रफ स्केच है ना, बनाओ। दूसरा आता है उसका पेरीमीटर बताओ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसी के बेस पे, पहले तो क्वेश्चन तो छोड़ो, पहले कुछ नोट्स लिख लेते हैं। नोट्स, नोट्स, एन ओ टी ई, नोटिस। देखो पहला नोट्स क्या है, पहला नोट यह है कि सर इफ नहीं द साइड विच इज towards F, the side which is towards F, image of that side, image of that side is formed towards infinity, पहला point। दूसरा point, the side, किसकी side sir, square की, rectangle की, ठीक है ना, the side which is towards P और C, पोल की तरफ हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हो, बताऊंगा क्या मतलब है इसका। देन द इमेज, देन द इमेज ऑफ दैट साइड इज फॉर्म्ड टुवर्ड्स P और C एंड मोर मैग्निफाइड, सॉरी पी और सी एंड लेस मैग्निफाइड, एंड लेस मैग्निफाइड, थोड़ा कम मैग्निफाइड होगा। इन दो बातों को लिखो फिर मैं बताता हूँ क्या मतलब है, इन दो बातों को लिखो फिर बताता हूँ किसका मतलब क्या है। इसको मिटा रहा हूँ मैं। ओके देखो क्या मतलब हुआ इन दो बातों का। देखो बच्चों, जैसे कि कॉनकेव मिरर है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, क्या बात बताई सर, मजा आ गया। ये रहा पोल और ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये मान लो फोकस है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पर मैंने कोई एक स्क्वायर रख दिया इस तरह से, ठीक, स्क्वायर रख दिया, क्लियर। मान लो कि स्क्वायर है ये ए बी सी डी। अब नोटी नंबर वन पे ध्यान दो, जो साइड फोकस की तरफ को होगी उसका इमेज इंफिनिटी की तरफ को बनेगा। ए बी, यहां पर ए बी साइड किसकी तरफ को है, फोकस की तरफ को, और इसका इमेज किसकी तरफ को बनेगा, इंफिनिटी की तरफ को बनेगा। क्लियर हुई बात। नोट नंबर टू क्या था, जो साइड सी डी टुवर्ड सी या पी, अगर यहां पर देते तो ठीक है, वो केस भी देखो, केस नंबर टू भी देख लो। चलो केस नंबर टू, केस नंबर टू, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब यहां पर रख दिया, तो बताओ इस बार मोदी सरकार, इस बार देखो, इस बार ए बी, ए बी साइड किसकी तरफ को है, एफ की तरफ को, ए बी साइड किसकी तरफ को है, एफ की, तो इसका इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी की तरफ को। और इस बार सी डी साइड सी की तरफ को तो नहीं है, पी की तरफ को है, तो जो पी की तरफ को है सी डी साइड पोल की तरफ को, उसका इमेज कहां बनेगा, पोल की तरफ को ही बनेगा। अभी बना के दिखाता, देखो तो ए बी साइड कहां है, फोकस की तरफ को है, इसका इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी की तरफ को, और मोर मैग्निफाइड, ज्यादा मैग्निफाई बनेगा, सी वाले की तरफ का लेस मैग्निफाइड, ये बना दिया। क्लियर, कैसे बनाया, एक रे पैरेलल और फोकस को काटते हुए जाती है, ठीक है, क्लियर है। दूसरी रे पोल से कहीं से भी, यहां से और यहीं मिल जाएगी जाके, या फोकस को काटते हुए जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, वो सब हमें नौटंकी पता है, ठीक है ना। ये बना, ये कौन साइड का बना, ए डैश बी डैश। पहला पॉइंट ये था कि जो साइड फोकस की तरफ को रखी होगी उसका इमेज इंफिनिटी की तरफ को बनेगा, ठीक है, और थोड़ा ज्यादा मैग्निफाइड बनेगा, ठीक है। अब जो साइड सी डी की, सी की तरफ को रखी है, सी की तरफ को कौन रखी है, सी डी, उसका सी की तरफ को ही बनेगा, मतलब इधर ही बनेगा सी की तरफ को, क्लियर है, और थोड़ा सा कम मैग्निफाइड बनेगा, लेस मैग्निफाइड, यानी कि इस तरह से, ठीक। ये क्या बना, सी डैश डी डैश, इमेज ये बना, ठीक है, दिस इज द फाइनल इमेज। आगे रफ इमेज बनाना, जो फोकस की तरफ को रखी होगी साइड उसका इंफिनिटी की तरफ को बनेगा और मोर मैग्निफाइड बनेगा, जो सी की तरफ को रखी होगी उसका सी की तरफ को ही बनेगा और लेस मैग्निफाइड बनेगा। ये हो गया रफ इमेज, कोई दिक्कत। ऐसे यहां पर देखो,
जो साइड फोकस की तरफ को रखी है ए बी, उसका कहाँ बनेगा बोलो? इधर बनेगा ना, इस बार याद है कुछ कुछ वर्चुअल इमेज, ठीक है? तो इसका कहाँ बनेगा बोलो? इन्फिनिटी की तरफ को, टुवर्ड्स इन्फिनिटी. क्या बनाए? ए डैश बी डैश और मोर मैग्निफाइड. जो साइड सी डी पोल की तरफ को रखी है, पोल हो या कर्वेचर, उस बार कर्वेचर था इस बार पोल है, उसका इमेज पोल की तरफ को ही बनेगा. ये बना पोल की तरफ को, किसका? डी डैश सी डैश, वर्चुअल इमेज है ध्यान रखना है, और लेस मैग्निफाइड इस तरह से. क्लियर है? लेस मैग्निफाइड बना कैसे? वही एक रे पैरेलल फोकस को काटती हुई दूसरी रे पोल से जिस एंगल पर उस एंगल पर वापस. तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहां मिलती हुई लगेगी, पीछे बढ़ाएंगे तो यहां मिलती लगेगी. क्लियर है? बात समझ में आई ना? तो ये ध्यान रखोगे छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें. जो पोल की तरफ को होगा उसका पोल की तरफ को वर्चुअल इमेज बनता है, इस कंडीशन बताया यार मैंने. और जो पी की तरफ को है उसका पी की तरफ को, लेस मैग्निफाइड. जो फोकस की तरफ को है, फोकस की तरफ को, फेसिंग फोकस, उसका इन्फिनिटी की तरफ को. इधर भी तो इन्फिनिटी है ना, ऐसे ही इधर भी. क्लियर होगी बात? दोनों डायग्राम बना लो. तो ये रफ इमेज अगर बनाने को आए या बना हुआ कहीं दिखे तो समझ जाना कि चक्कर क्या है. ओके, अब एक क्वेश्चन और थोड़ा सा वो बढ़ा सकता है. क्या बढ़ा सकता है? चलो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ही दे देते हैं फिर तो. क्वेश्चन ये रहा, अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड बिटवीन C and F in front of a concave mirror of focal length 30 centimeter if AP बराबर 40 centimeter then find the perimeter of the image. Find the perimeter of the image. Figure दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ तो बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं. Concave mirror, principal axis, pole, focal length, center of curvature. अब बताओ कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का, विच इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, और एफ कितना है 30, तो ये भी 30 हो गया होगा, ठीक है? और सी और एफ के बीच तो बियॉन्ड सी बनता है, मैंने बताया. ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक कितने डिस्टेंस हो बच्चों? 30 सेंटीमीटर. एनी प्रॉब्लम? बोलो. 30 सेंटीमीटर. इफ एपी इज इक्वल टू 40, व्हाट इज एपी? एबीसीडी स्क्वायर है, स्क्वायर एबीसीडी, आई एम सो सॉरी, एबीसीडी स्क्वायर, ठीक है? एबीसीडी इज 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है? ओहो, दरिया का पानी भी खामोश बहता यहां. सीडी और एबी जो कितना है? एपी देखा ना, एपी 40, मतलब ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी रखी है? 40 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितनी रखी है? 30 सेंटीमीटर. कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से बताओ, ठीक है? अब हमें इसका एक रफ इमेज पहले बनाना पड़ेगा, है ना? रफ इमेज हमें पता है कैसे बनाते हैं, नोट्स में याद रखने हैं, कि जो साइड फोकस की तरफ को है वो इन्फिनिटी की तरफ को बनेगी और मोर मैग्निफाइड बनेगी. जो साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर या पोल की तरफ को फेस कर रही है वो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को ही बनेगा और लेस मैग्निफाइड बनेगा. क्लियर है? चलो अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं. एक रे पैरा एक्सियल और कहां से जाएगी? फोकस से काटती हुई. एक रे पैरा एक्सियल, फोकस को थोड़ा यहां ले लो यार, फोकस, और कहां से जाएगी? फोकस को काटते हुए, लो सर, ठीक. दूसरी रे कहीं से ले लो, फोकस से ले लो, और ये क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, ठीक है? तो दूसरी रे क्या हो जाएगी? पैरेलल, और कहां से ले लो? फोकस से, ठीक. समझ गए ना? इमेज का हमें ध्यान रखना कहां बनेगा? बियॉन्ड सी बनेगा ना, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट रखा होता था, बियॉन्ड सी बनता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? तो अब बताओ ये कहां बना इसका इमेज? यहां बना इस तरह से. अब ये वाला कौन सा साइड रहेगी? क्या ये सी डी रहेगी या ये ए बी रहेगी? तो देखो जो सी को फेस करेगा वो कौन से रहने वाली है? सी डी. ये होगी सी डी, या कह लो कि सी डैश डी डैश, इसको थोड़ा ऐसे रहने दो. और इससे थोड़ी दूर कौन सी बनेगी? इन्फिनिटी की तरफ को
ए डैश बी डैश, क्लियर नहीं? अभी बताई बात, ठीक है? बोलो जल्दी से बताओ। अरे भैया जो साइड फोकस को फेस कर रही है ए बी, वो साइड उसका इमेज कहाँ फेस करेगा? इन्फिनिटी को फेस करेगा, ठीक है, और मोर मैग्निफाइड बनेगा। जो साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर को फेस कर रही है उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही फेस करता हुआ बनेगा और लेस मैग्निफाइड बनेगा, ठीक है? तो इसका हमने एक रफ इमेज बना लिया, क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, हमें करना है बच्चों इसका पेरीमीटर फाइंड करना है इमेज का। दिस इज इमेज, ये ए डैश सी डैश डी बी डैश, ये फाइंड करना है। लेट अस फाइंड आउट। सबसे पहले ये बताओ कि डी 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 पी, डी पी क्या है? डी पी किसका इमेज है? सी डी का, है ना? तो इसको यू टू मान लो, इसको यू वन। तो चलो यू वन फॉर ए बी, है ना, ए बी के लिए बना रहे हैं। यू वन, यू वन कितना हुआ, लिख देते हैं फोर ए बी, फॉर ए बी यू वन कितना हुआ माइनस 40 सेंटीमीटर। F कितना है माइनस 30 सेंटीमीटर। V1 फाइंड करना है, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन U1 इज इक्वल टू 1 अपॉन F, 1 अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन 40 बराबर माइनस 1 अपॉन 30। जल्दी से कैलकुलेट करो यार, 1 अपॉन V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 40 माइनस 1 अपॉन 30, एलसीएम लो 120, 4 3 4 3, V1 इज इक्वल टू माइनस 120 सेंटीमीटर, ठीक है? तो अपने आप ही बढ़िया जाएगा। तो बताओ ये रहा ए बी और ये रहा ए डैश बी डैश, तो ये डिस्टेंस कितना आया 120 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ना कहानी? अरे भाई ए बी का इमेज ही तो बना ना ए डैश बी डैश, टुवर्ड्स इंफिनिटी मोर मैग्निफाइड, ठीक है? पिन में भी हमने देखा था, पिन में क्या देखा था, पिन का उल्टा इमेज बना था, याद करो। ओके, तो ये आ गया किसके लिए, ए बी के लिए। अब देखते हैं फोर सी डी, फोर सी डी के लिए बताओ जल्दी से, फोर सी डी, सी डी के लिए क्या U1 कितना, मतलब CD की डिस्टेंस कितनी, यहां से यार कितना 40 और इसकी साइड कितनी 10, तो 40 प्लस 10 कितना हो गया 50, तो ये आ गया माइनस 50 सेंटीमीटर, ठीक है? अब F तो वही है ना, F थोड़ी चेंज हुआ यार, माइनस 30 सेंटीमीटर। बताओ V2 कितना, 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन U2 बराबर 1 अपॉन F, V2 पता नहीं, U2 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 30, V2 कितना है बोल लो, 50 30 150 53 5 जा, तो V2 आया माइनस 75 सेंटीमीटर। देखो फॉर्मूले से भी अपने आप सही सही आ गया ना, ए बी का इमेज यहाँ आया 120 पे और सी डी का आया 75 पे, तो ये रहा C डैश D डैश 75 सेंटीमीटर, क्लियर है? बोलो जल्दी से, अब बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, B डैश D डैश 120 माइनस 75, तो B डैश D डैश कितनी हो गई 120 माइनस 75, दैट इज 10 में से 5 गया 5, 45 सेंटीमीटर। ये कितनी आ गई 45, यहां तक पेरीमीटर निकालने के लिए चाहिए थी, आ गई। ये बताओ सी डैश डी डैश ये क्या है, सी डी का मैग्निफाइड इमेज है, है ना, सी डी का मैग्निफाइड इमेज, तो मैग्निफिकेशन से निकाल सकते हो। पहले इसको नोट करो, नोट करो फटाफट, नोट करो, नोट करो, बता दो इसको, V2 आ गया 75 और B डैश D डैश ये आ गई। ओके, अब ध्यान से देखना आगे, अब आगे तो कल तक हमने देखा कि इमेज कैसे बनता है, बहुत मुश्किल है मिटाना इसको, पता नहीं क्या खा के थक गए भाई। चलो ये आ गया बी डैश डी डैश, ठीक है? अब बताओ ये सी डैश डी डैश क्या है, सी डी का मैग्निफिकेशन, मैग्निफाइड इमेज। सी डी की लेंथ पता है 10 सेंटीमीटर, पता है ना, सी डी बराबर 10 सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर, तो बताओ मैग्निफिकेशन कितना होता है। सी डी के लिए माइनस वी टू अपॉन यू टू, माइनस वी टू कितना आया था माइनस 75, वी टू कितना माइनस 50, बोल लो बे, माइनस से माइनस कट्टा, एक माइनस हो जाएगा उसका कुछ मैं करना नहीं है मेरे को, 5 10 50 15, तो कितना आ गया 15 बाय 10 मैग्निफिकेशन, जो कितना भी होता है हाइट ऑफ इमेज, बोले तो सी डैश डी डैश जो कि माइनस का है, ये भी माइनस लगा दो, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि प्लस का 10 है, माइनस से माइनस टका, 10 से 10 टका, तो बताओ सी डैश डी डैश कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। सी डैश डी डैश ये कितना आ गया 15, यहां से यहां तक, ठीक है? अब बताओ ये ए डैश बी डैश क्या है, ए बी का मैग्निफाइड इमेज है, तो ए बी के लिए लगाओ 4 ए बी, और ए बी है कितना, ए बी भी 10 ही है भाई, मैग्निफिकेशन लगाओ एम, माइनस वी वन अपॉन यू वन, एम कितना होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज विच इज ए डैश बी डैश माइनस का, क्योंकि नीचे बनाया प्रिंसिपल एक्सिस के बता नहीं जाती है, अपॉन ऑब्जेक्ट यानी कि ए बी इज इक्वल टू माइनस वी वन कितना 120 माइनस का, और यू वन कितना माइनस का 40, ये आ गया 3,
अब बताओ माइनस ए माइनस कटर ए डैश बी डैश में निकालना है, ए बी कितना था 10 × 3 कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, लो जिसका डबल बना है, ए डैश बी डैश कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? तो ये मैंने लिख दिया 30। ठीक है, पैरामीटर निकालने के लिए सब चीज़ आ चुकी है, एक चीज़ की कमी है बस, 45 आ गया, 15 आ गया, ये प्लस ये प्लस ये रह गया ना ये डिस्टेंस, कोई नहीं इसको ऐसे ही ड्रॉ करो सीधा सीधा, तो ये बताओ कितना हो गया 45, ये पूरा 15, ये पूरा 30, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाए 30, ओहो 15, बोल भाई, अरे बोलो यार, अरे ये पूरा 15 तो ये पूरा 15, पूरा 30 तो 15 तो बचा ना, ये निकाल सकते हो पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम, बताओ ए डैश सी डैश कितना हुआ, ए डैश सी डैश एंडेरूट 45 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो बताओ कितना हुआ 4×16 15×2 25 कितना हुआ 2250, फैक्टर करो तो क्या आएगा 15×25 × 10 है ना 225 × 10 तो 225 का 15 हो गया √10 सेंटीमीटर। अब बताओ पेरीमीटर कितना हो गया बच्चों, पेरीमीटर जोड़ दो, सब जोड़ दो, सारी साइड्स जोड़ दो इमेज की, तो पेरीमीटर ऑफ इमेज कितना हुआ बी डैश डी डैश बोले तो 45 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 15 √10 तो कितना आंसर आया रे बाबा 90 प्लस 15 √10 सेंटीमीटर, कर सकते हैं कैलकुलेट अच्छे, ओके लिख लो नोट करो फटाफट, आसान था ना, कुछ भारी नहीं है, थोड़ा V1 हमने निकाला A डैश B डैश के लिए, ये V1 निकाला CD के लिए, V2 निकाला, V2 माइनस V1 किया ये आ गया, फिर ये निकालने के लिए मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल किया, ये अपॉन ये निकल गया मैग्निफिकेशन, ये निकालने के लिए इसका मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल किया, ठीक है, ये तो पाइथागोरस से निकाल लिया और सबको ऐड कर दिया, ठीक है नोट कर लो। अब बच्चों एक और न्यूमेरिकल लगाते हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, है ना, मिरर कंबाइन रखे हुए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, नई की दुकान पर जब जाते हैं तो मिरर में चीज दिखता ही रहता है ना, कितने इमेज बनते हैं, इनफाइनाइट इमेज बनते हैं यार, एक इधर कितने इमेज बनते हैं इनफाइनाइट, तो यार इनफाइनाइट इमेज तो तुमसे वो पूछेगा नहीं, ठीक है ना, पूछेगा कि दूसरा इमेज कहाँ बनेगा, बस ये बता दो दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है चलो। कैसे, मान लो कि इस तरह से एक मिरर रखा हुआ है, स्फेरिकल मिरर, टिंग 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 टिंग, कौन सा हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है, और इसी के एक्सिस पे एक दूसरा रखा है कॉन्केव, ओके इस तरह से ऐसे रखे हुए, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बोलो सही है, ओके यहाँ जो है ये ऑब्जेक्ट रखा है ओ, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ओके ये M1 मिरर है, ये M2 मिरर है, क्वेश्चन दिया है कि M1 M2 दो मिरर हैं और फोकल लेंथ ऑफ M1 फोकल लेंथ ऑफ M1 दी है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ M2 ये दी है 10 30 सेंटीमीटर, ये दो हमें दिया है, और ये साथ साथ ही बोला कि टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, है ना, ये उसने बोला कि पहला रिफ्लेक्शन जो लोगे कहां से लोगे M1 से बोलो, ठीक है M2 से भी ले सकते हैं, लेकिन उसने पहला रिफ्लेक्शन कहां से बोला M1 से, ऐसे इनफाइनाइट इमेज बनेंगे ना, तो वो पहला बस दूसरा इमेज बता दो कि जो M1 से पहला रिफ्लेक्शन लिया गया हो, क्लियर है कहानी। अब ध्यान से सुनना, साइन कन्वेंशन भी इसमें इंपॉर्टेंट है और रे डायग्राम भी इसमें इंपॉर्टेंट है, पहला रिफ्लेक्शन उसने बोला M1 से लो, क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके अब देखो O से एक इंसिडेंट रे गई है ना, O से कहां पर M1 पर, M1 से बोला पहला रिफ्लेक्शन ये गई, ठीक अब देखो ये कोई इंसिडेंट रे गई तो नॉर्मल से जिस एंगल पर टकराती है उसी एंगल पर वापस आ जाती है, और M1 की फोकल लेंथ कितनी रखी है M1 की 20 सेंटीमीटर, तो यहां इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है तो इसका ही नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल से जिस एंगल पर टकराती है उस एंगल पर वापस भी आ जाती है, क्लियर है थोड़ा सा और बड़ा एंगल बना लेते हैं, बोले यार समझे ना, नॉर्मल कहां से बनाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, परपेंडिकुलर लाइन खींच दोगे, सब नॉट में पता है अब, ठीक है तो ये पीछे लाइन बनाएंगे टिंग 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 टिंग, एक रे ऐसे और टकरा के वापस, तो ये ऐसे मान सकते हो ना, दो रे जहां मिलते हैं वहां इमेज बनता है, तो ये बन गया इमेज, क्लियर ना, इमेज नंबर 1 जो किसने बनाया M1 ने,
ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना, पहला रिफ्लेक्शन हमें M1 से लेना है, तो M1 से हमने रिफ्लेक्शन लिया, O से एक इंसिडेंट रे गई, जिस एंगल पर नॉर्मल से टकराई उस एंगल पर नॉर्मल से वापस, इसको पीछे बढ़ाया, एक लाइट यहां से नॉर्मली टकराई और वापस हो गई, तो यहां पर पहला इमेज बच्चों क्या बना, आई वन, ठीक है, आई वन। अब आई वन के लिए हमने पहले डिस्टेंस निकालना है कि कितने डिस्टेंस पर इसके पोल से बना, पी वन से कितने डिस्टेंस पर बना, ठीक है ना, वी वन निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये जो इमेज बना आई वन, ये एम टू के लिए किसका काम करेगा, एक रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बोलो भाई, एम टू के सामने तो ये दिख रहा है ना आई वन, जो किसका काम करेगा, एक रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एम वन के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, एम वन के अंदर है ये, तो मिरर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल, बट फॉर M2 इट इज अ रियल ऑब्जेक्ट। देखो M2 को क्या दिख रहा है, M2 को तो कुछ दिख रहा है कि सच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बात समझे ना, तो फॉर M2 I1 विल बिहेव लाइक एन रियल ऑब्जेक्ट। यहां तक बात समझ में आई तो आगे बढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि I1 ये यहां से कितने डिस्टेंस पर भरा बना, तो मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो फॉर मिरर M1, फॉर M1, M1 के लिए बताओ U1 कितना, P से O के डिस्टेंस 20, कैसे लोगे, माइनस के प्लस, ध्यान से इंसिडेंट रे किधर जा रही है, इधर, और तुम डिस्टेंस कैसे नाप रहे हो, अपोजिट टू द लेफ्ट राइट वाला चक्कर में कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, क्या इंसिडेंट रे के अलोंग पॉजिटिव और इंसिडेंट रे के अपोजिट नेगेटिव, तो यार ओ से लाइट इंसिडेंट रे इधर जा रही है इधर, और तुम डिस्टेंस पोल से नापते हो, तो डिस्टेंस कैसे नाप रहे हो, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, सो यू वन कितना हो गया, माइनस 20 सेंटीमीटर, बात समझ में आ गई, बोलो जल्दी से, ओके, एफ वन, एफ वन कितना, फोकस किधर, इसका इधर होगा ना, फोकस तो इसका इधर होगा, बोलो भाई फोकस तो इसका इधर होगा ना, तो इंसिडेंट रे भी इधर जा रही है, और फोकल लेंथ भी तुम कैसे नाप रहे हो, अलोंग द इंसिडेंट रे नाप रहे हो, तो फोकस कितना हो गया इसका, प्लस 20 सेंटीमीटर, एम वन का इधर रखा है 20, तो बताओ वी वन कितना, मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन यू वन इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन, बोलो भाई, अरे बोलो चचा, ए चचा कुछ नहीं बच्चा, V1 की वैल्यू पता नहीं सर, वही तो निकाल लिया, U1 कितना, माइनस 20 इक्वल्स टू 1 अपॉन प्लस 20, 20 20 कट गया, 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 20, 2 अपॉन 20 मतलब 10 सेंटीमीटर, तो V1 कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, कांच कांच तक यहां से 10 सेंटीमीटर, ये बना दिया पहला रिफ्लेक्शन ने इमेज, मिरर वन ने बना दिया, सर ये सही है बात, यहां तक सुनो, अब ये जो M2 मिरर है ये इसको देखेगा I1 को, और I1 M2 के लिए एक रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, तो बताओ M2 से ये I1 कितनी दूर रखा है, फॉर M2, फॉर M2, तो बताओ U2 कितना हुआ, अब यहां से I1 है ना, अब ये सब भूल जाओ, बस ये मानोगे I1 है और M2 है, तो I1 से एक रे निकली, मान लो कि मिरर पिरर सब खत्म, बस एक रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मिरर विरर सब खत्म, बस एक रियल ऑब्जेक्ट रखा है, तो I2 से एक रे निकलेगी, कैसे जाएगी, नॉर्मल से टकराएगी, टकरा के क्या होगी, वापस आ जाएगी, जिस एंगल पर टकराई उस एंगल पर वापस, तो आई कहीं यहां बनाएगा आई टू, बोलो एक ऐसे मान लो कि अब आई वन कुछ नहीं है, ये मिरर कुछ नहीं है ना, मिरर विरर सब खत्म, बस आई वन एक ऑब्जेक्ट रखा है एम टू के सामने, यहां से एक रह गई, टकराई नॉर्मल से और वापस सेम एंगल पर आ गई, ठीक है, एक ऐसे एक नॉर्मली ले लेंगे यूं और टकरा के सीधी वापस, ठीक है, तो यहां पर इमेज बनेगा कहीं आई टू, ये हमें डिस्टेंस निकालना है, अब ये कितनी दूर बना, बोलो बात समझ में आई कि नहीं, तो बताओ U2 कितना, इसके लिए P2 से I1 के डिस्टेंस, या 30 तो ये रही और 10 ये रही, कितना हो गया 30 और 10 40, माइनस 40 ऑब्वियसली, इंसिडेंट रे किधर, दिस डायरेक्शन, अब ये भूल जाओ ना ये वाली, इंसिडेंट रे M2 के लिए किधर है, देखो यू आ रही है यानी कि इधर, और तुम डिस्टेंस कैसे नाप रहे हो, P2 से I1 के डिस्टेंस कैसे नापा, ऐसे अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, अपोजिट नापा तो क्या लोगे यार, माइनस 40, ये क्लियर हुआ माइनस प्लस की कहानी, अब भूल जाओ मिरर M1 को, उसने बना दिया इमेज, ठीक है, अब ये इमेज रखा है जो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट है, बस खत्म बात, मान लो यहां कोई मिरर नहीं है, मिरर के अंदर से कैसे पार हो गए लाइट, ये सब नौटंकी भूल जाओ, ठीक है, बस ये मिरर मिरर कुछ नहीं है, यहां पर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रखा है, अब इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट निकली इस तरह से, टकराई नॉर्मल से सेम एंगल पर वापस, ठीक है, अब इंसिडेंट रे किधर जा रही है, इधर टुवर्ड्स राइट, और तुम डिस्टेंस कैसे नाप रहे हो, P2 से I1 की टुवर्ड्स लेफ्ट, तो अपोजिट नाप रहे हो ना, अपोजिट नाप रहे हो तो क्या लोगे, माइनस लोगे, तो U2 कितना हो गया, माइनस 40 सेंटीमीटर, F2 कितना, फोकल लेंथ ऑफ M2 30, अब देखो इंसिडेंट रे कैसे है, इधर जा रही है इसके लिए, है ना, और फोकल लेंथ कैसे नाप रहे हो, अपोजिट, फोकल लेंथ किधर है, कैसे नाप रहे हो, अपोजिट, तो फिर से माइनस माइनस 30, V2 निकाल लोगे, 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन 40 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 30, बताओ V2 कितना हुआ,
1 upon 40 minus 1 upon 30, LCM बोलो 120, कितना हुआ? 3 minus 4, तो V2 कितना आ गया? Minus 120 centimeter, V2 कितना आया? Minus 120, तो इसका इमेज यहाँ नहीं बनाएगा, कहाँ बनाएगा? यहाँ कहीं इसके अंदर बनाएगा, और उसी के अंदर तो दिखता है उसका इमेज, ठीक है? तो कितना बनाएगा? Minus 120 centimeter पर, बात समझ में आ गई? तो इमेज कहाँ बना? Minus 120, मतलब तो 30 और यहाँ 100 इधर कहीं, ठीक है, माइनस 120 सेंटीमीटर. तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई, कर लोगे इस तरह से. ओके, एक और क्वेश्चन लगाते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पे है ना, वन मोर क्वेश्चन. फिर से देखो इस तरह से, कोई एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसी के एक्सेल पे, एक्सेल ही मतलब एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, ठीक है. फिर से इसको एम वन कह लो, इसको एम टू. क्वेश्चन सेम टू सेम, टेक रिफ्लेक्शन फ्रॉम एम वन, ठीक है, टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम एम वन टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड इमेज, ठीक है. पहला इमेज ये खुद बनाएगा, दूसरा इमेज ये बनाएगा, बनेगा तो इनफाइनेट है ना, तो ये सेकेंड इमेज के हमसे डिस्टेंस पूछी है. ऑब्जेक्ट इस बार ये बच्चों यहाँ पर रख दिया, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये सॉरी सर, ये 10 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट, और ये कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, ठीक है. यहां से अब बताना है, फोकल लेंथ M1 की 20 सेंटीमीटर, M2 की 30 सेंटीमीटर. ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से. सबसे पहले बोला क्या उसने, टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, पहला रिफ्लेक्शन कहां से लेना है? M1 से लेना है, ठीक है. बोलो भाई चलो करते हैं. आप देखो ध्यान से देखना सारी कहानी, सारी गाथा और कहानी. पहले इसको भूल जाओ कि कोई मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहां से एक इंसिडेंट रह गई, इंसिडेंट रह गई, नॉर्मल से जिस एंगल पर टकराई उस पर वापस पीछे बढ़ाया, तो यहां पर एक ऐसे कैसे इमेज बना आई वन, क्लियर है. तो सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालते हैं, बताओ कैसे निकालोगे? यू वन कितना? यू वन है ना, इसके सामने इंसिडेंट रे कैसे गई है? इस तरह से इंसिडेंट रे ऐसे गई, इसके लिए इसको भूल जाओ भी है भी, ठीक है, इंसिडेंट रे गई है लेफ्ट में और आप डिस्टेंस नाप रहे हो ऐसे राइट में, तो यू वन कितना हो गया? माइनस 10 सेंटीमीटर. एनी प्रॉब्लम? क्लियर है कहानी तक? अच्छा, एफ वन कितना? 20 सेंटीमीटर. प्लस का क्या माइनस का बोलो? इंसिडेंट रे और फोकल लेंथ दोनों सेम डायरेक्शन, इसकी फोकस कहीं इधर तो होगी ना, ठीक है, तो एफ वन हो गया प्लस 20, तो 1 अपॉन वी वन माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन 20. तो बताओ 1 अपॉन वी वन कितना हुआ? 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 10 कितना हो गया? 200. 1 प्लस 2, वी वन कितना हुआ? 200 अपॉन 3 सेंटीमीटर. डिवाइड करो, 3 6 18, कितने जो 66.66 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा V1, ठीक है, 66.66 सेंटीमीटर ये आ गया. बोले जल्दी, अब ये बना यहाँ I1, अब भूल जाओ कि कोई मिरर विरर रखा है, ये वाले मिरर को भूल जाओ, ठीक है, बस ये I1 है. अब यहाँ से एक इंसिडेंट रे गई इस तरह से, तो इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में. अब डिस्टेंस का, डिस्टेंसेज का ध्यान रखना, तो 4 मिरर M2, बताओ U2 कितना हुआ है? बोलो, 20 प्लस 10 प्लस 66, 20 प्लस 10 प्लस 200 अपॉन 3, और वो भी कैसा लेंगे? सारा माइनस का. क्यों? पता है ना, इंसिडेंट रे देखो यहां से रे निकल रही है, अब इस बार यहां जा रही है इंसिडेंट रे ऐसे, तो इंसिडेंट रे के क्या नाप रहे हो तुम? डिस्टेंसेस. अपोजिट नाप रहे हो फॉर मिरर M2, मिरर M1 को भूल जाओ, क्लियर है. तो इसको जोड़ो, माइनस 90 20 30 30 90 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? माइनस 290 अपॉन 3, ये आ गया बच्चों U2. आ गया U2. F2 बताओ, F2 बोलो, F2 कितना? F2, इसकी फोकस क्या इधर होगी क्या? नहीं यार, इधर ही तो होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर ही फोकस इधर होगी, तो बताओ इंसिडेंट रे इसके लिए इधर जा रही है ना, यहां से निकली, और फोकस भी हम क्या नाप रहे हैं? अपोजिट नाप रहे हैं, तो फोकस कितना है इसका? -30, क्लियर है. F2 कितना हो गया? -30. V2 निकाल लोगे, 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन में उल्टा हो जाएगा, 3 अपॉन 290 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 30. यू कैन इजीली कैलकुलेट V2 फ्रॉम हियर, कर सकते हो ना यहां से कैलकुलेट? बोलो कर लोगे? ओके, तो इसमें साइन कन्वेंशन का इंपॉर्टेंट रोल था, ये हमें ध्यान रखना है. ओके,